आज जब मैं बिस्तर से उठकर जा ही रही थी इस रसोई की तरफ कि मेरी मुलाकात हुई आईने में मुझसे मेरी। अब वो चमकते चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगी थी हाँ थोड़ा लापरवाह हो गई थी मैं क्योंकि अब सजना समझना जरूरी नहीं समझती क्योंकि अब किसी और को संवारना अच्छा लगता है। अब पायल की छमछम अच्छी नहीं लगती मुझे क्योंकि अब किसी की किलकारियां अच्छा लगता है मुझे। हाँ थोड़ा सा भुलक्कड़ हो गई हूँ मैं ये कह दो कि मैं सब खुद से भूल जाती हूँ क्योंकि उसकी चॉकलेट से ज़्यादा ज़रूरी मेरी दवाइयाँ नहीं लगती हैं। मैं खुद से झूठ भी बोलने लगी हूँ कि मुझे नए गहने और नए कपड़े अच्छे नहीं लगते और मेरी फटी साड़ी भी मुझे नहीं लगती है क्योंकि अब उसकी छोटी छोटी जिद भी ज़रूरी लगने लगी है मुझे। मैं नाटक भी कुछ अच्छा ही कर लेती हूँ। हजारों उम्मीदें लिए बड़ी आसानी से बोल देती हूँ कि मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अक्सर अपने आप को मैं अकेली पाती हूँ, पूरा घर भरा होता है पर अक्सर मैं अपने आप को अकेली पाती हूँ, कभी सिंदूर के लिए तो कभी कलेजे के टुकड़े के लिए। दिल में हजारों दुख लिए बड़ी आसानी से मुस्कुरा लेती हूँ, कितना कुछ तो कर लेती हूँ मैं माँ हूँ ना, सारी माँ ऐसी ही होती हैं। थैंक यू सो मच।